हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, चंगे होंगे। और ये जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है 1 मार्च से, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, राइट? तो मैं अभी तक एपिसोड 1, 2 और आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एपिसोड 3, वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं, जो कल मैंने आपको 9-10 बजे के आसपास जो वीडियो दिया था, क्या क्या कॉज दिए थे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए रिलेशनशिप बनाने में किंग रिसर्च के साथ आपको आसानी हो सके। तो गाइस, कल मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का देख ली, 11,170 क्लियर कट बोला था भैया, लक्ष्मण रेखा है। उसके बाद 11,270 तक ये किस कर सकता है, ये भी बोला था, है ना? उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट, देयर आफ्टर मोर फायरवर्क्स अप टू 11,347-370। गाइस, ये लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे वीकली लेवल्स होते हैं, ये एक वीक में प्रॉपर काम करते हैं, इसको रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है। और गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। आज आप देखो गैप अप खुलने के बाद कैसा मूव किया। परसों भी जो एपिसोड 1 में दिया था, वो भी आप लेवल्स मेरे पुराने वीडियो पे जाके चेक करिए, एपिसोड 1 पे। आज लाइव मार्केट में 11,247 पे क्लियर कट बोला था टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए, मिस मत करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव जो भी रहता है, लेवल्स चेंज होते हैं या कोई फ्रेश कॉल होती है, मैं वहाँ पे देता हूँ। 11,247 पे क्लियर कट बाई बोला था। ऐसा नहीं है कि मैंने कल बोला, एक दिन पहले एडवांस में बोल दिया, बस आपको एक अलर्ट दिया कि भैया 11,247 आ गया, भैया बाई करो। वहां से 11,326 या 27 तक का लेवल लग गया। रिजल्ट आपके सामने है, ऑलमोस्ट 247 से 70-80 पॉइंट्स का निफ्टी फ्यूचर्स में रैली दी है। उसके बाद आ जाइए एक और रिकमेंडेशंस, जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, क्लियर कट निफ्टी फ्यूचर्स हो गया। और आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने आपको क्लियर कट बताया था। अगर मेरे को फॉलो नहीं करते हो मेरे भाई, तो प्रॉपर फॉलो करना चालू कर दो, भूल जाओगे, कोई आपको इस तरह के लेवल्स दे सकता है लाइव मार्केट में भी और एक दिन पहले भी। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बोला था 29,030 के ऊपर बाई करने के लिए, 870 कैसल था। बॉस, रिजल्ट आपके सामने है, खुद देखो, खुद समझो, अपने आंखों से देखो, कान से सुनो, और फिर अगर बोलना चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मजा आया या नहीं आया। मजा आया लिखिएगा, हैशटैग मजा आया, ठीक है? रिलायंस का देखिए, रिलायंस, यस, डोंट पैनिक। भीष्म पितामह का नाम दिया था मैंने कल के बाजार में, यानी कि आज के बाजार में, कल मैंने बोला था आज के बाजार में रिलायंस इंडस्ट्री आपका भीष्म पितामह की तरह काम करेगा, यही मार्केट को बचाएगा। मॉर्निंग में ही रिलायंस इंडस्ट्री का आप चाल देखिएगा, क्लियर कट। आर यू इंटरेस्टेड टू सेल, मैंने बोला था नहीं। मार्केट में आप जिसको भी फॉलो करते हो, सब लोग सेल बोल रहे थे, टीवी चैनल वाले भी सेल बोल रहे थे, हम लोगों ने मेंशन किया था क्लियर कट, आर यू इंटरेस्टेड टू सेल ? और हमने अपना स्टेटमेंट दिया था, विल बाय एट ओपनिंग बेल, खुलते ही साथ बाई करेंगे। जो दुनिया आपको बताती है ना, ये लेवल टूटेगा बाय, ये लेवल टूटेगा सेल, सॉरी सर, क्लियर कट चीज बोली जाती है यहां पे। इफ ओपन फ्लैट और 1% अबव और बिलो, क्लियर कट मेंशन किया था कल। सर, ये साइकोलॉजी है, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो ऑब्जर्वेशन काम करता है, वो बच्चों वाला नहीं है कि पाइवेट पॉइंट लगाया, 3-4 लेवल ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उसी पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बोले जा रहे हैं, ना 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 ना, क्लियर कट, आई विल बाई एट ओपन, ओपनिंग होते ही मैं बाई करूंगा। अब सर टारगेट 1347-1359, रिजल्ट आपके सामने है। एक और स्टॉक कैनरा बैंक दिया, कैनरा बैंक ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप मूव दिया, थोड़ा सा भी फॉल आया, उसका रिजल्ट देख लीजिए, कैनरा बैंक भी ऊपर की तरह चलता रहा। डॉक्टर रेड्डी भी क्लियर कट बोला, सर 3 ही स्टॉक लेके आया था, सिर्फ 3 स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्री, भीष्म पितामह, कैनरा बैंक एंड डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट आपको पता है मेरे भाई, बाई करो, दम लगा के बाई करो, दम लगा के बाई करो, ट्रेड बिंदास बट विद छोटू एसएल के साथ होना चाहिए। रिजल्ट 140-150 पॉइंट डॉक्टर रेड्डी भागा है कल। पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, मजा आ रहा है स्टॉक सिलेक्शन में, आ रहा है ना सर? ठोको लाइक, और जितने ज्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करोगे, उतनी मेरे को एनर्जी मिलेगी, और उतना मैं आपको अच्छे से अच्छा डेली बेसिस पे मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ ये रिजल्ट, जिससे कि आपको समझ में आए किस तरह से किंग रिसर्च स्टॉक सिलेक्शन करता है, पावर ऑफ लर्निंग कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आज का जो टॉपिक है एपिसोड 3, डेट 4 मार्च 2020, यानी कि कल के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से रडार रखना है किन स्टॉक्स के ऊपर, प्लीज आ जाइए, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला निफ्टी फ्यूचर्स के, अगेन कोई मेजर हर्डल नहीं है,
मैनी जोकर्स, यस मैनी जोकर्स जिसको मैं ट्रॉलर्स बोलता हूँ, आते हैं ना सबके पास होते हैं, यानी कि जो अपनी दुकान छोड़ के हमारी दुकान पे आए हैं। क्लियर कट बोलता हूँ सर दुकान, अब आप किस लैंग्वेज में समझोगे वो लैंग्वेज में मैं आ जाता हूँ। मैनी जोकर्स उर्फ ट्रॉलर्स ओनली थिंकिंग दैट हाउ आवर लेवल्स इज वर्किंग, करता है ना काम, और मेरे लेवल्स हमेशा याद रखना, नोट कर लेना, हमेशा काम कर, आज नहीं 2 साल बाद भी काम करेंगे लेवल्स, अगर उस लेवल पर मार्केट आता है तो। टुडे मिंट ग्रेट मनी इन मार्केट, यस टुडे अगेन कीप ईगल आई, कल के लिए बता रहा हूं नजर रखना इन लेवल्स के ऊपर। 11,370 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 11,410 का लेवल है, यस इस लेवल के आसपास है। सिर्फ ठोकने का सोचना, सिर्फ सेलिंग करने का सोचना इन बिटवीन इन दिस लेवल, रियल तूफान विल कम, ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट आवर लक्ष्मण रेखा। अब मैं ऊपर का लेवल बता रहा हूं, 11,430 अगर ये टूटता है, सर सॉरी एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 11,430 के अगर ऊपर टूटता है तो ये जो इमीडिएट लेवल आएगा 11,490 और 11,540 का लेवल भी तेजी से आएगा, तेजी से बूम बूम बूम, ठीक है। चलिए सेकंड बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बिलो 29,030, यस मैं इसमें बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सेल की बात कर रहा हूं, निफ्टी फ्यूचर्स बाइंग की बात कर रहा था, सेल का ही बताया था। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बिलो 29,030 ओनली पैनिक विल कंटिन्यू एंड मेल्ट लाइक अ आइसक्रीम इन हॉट सीजन्स। हॉट सीजन में कैसे आइसक्रीम पिघल जाती है आपकी तुरंत, तो वैसे ही 29,030 एंड 29,030 के नीचे इसको ठोको, ठोकने का सोचो, अप टू टारगेट कहां से होगा 28,856, 28,670, यस वेरी पावरफुल लेवल्स, देयर आफ्टर मोर पैनिक, नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, गाइस कीप इन माइंड नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन बैंक निफ्टी। चलिए पहला स्टॉक जो कल के रडार पर, आज मैं 5 स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक जमे रहिए, और सर भगा भगा के नहीं देखना है, पूरा देखो वीडियो को तभी मजा आएगा। मैं सर यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो ध्यान से समझेगा चीज उसको समझ में आएगी, जो भगा भगा के समझेगा बाउंस होगा, बाद में आप मुझे ही पकड़ोगे कि सर ये क्या हो गया मेरे साथ। समझो यूपीएल वर्स्ट इज ओवर, यस यूपीएल कीप ईगल आई, कीप किंग रिसर्च ईगल आई ऑन यूपीएल, वर्स्ट इज ओवर, वन मेजर पॉजिटिव न्यूज ऑन कार्ड, यस 527 इज आवर लक्ष्मण रेखा, वंस क्रॉस 527 लेवल देन जूम टू किस 546, 552, हम वो नहीं है लेवल देते हैं, 1 रुपये आते ही बुक करो, 2 रुपये आते ही बुक करो, और फिर बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट है बुक करते रहो, अरे सर वोलेटाइल मार्केट में ही तो पैसा बनता है, क्यों बुक करो, मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड इट, बिंदास बनो, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का मेथड आपको बता रखा हूं ऑलरेडी वीडियोस में, फॉलो करो, 546 टारगेट, 552 टारगेट, 526 के ऊपर निकलते ही सर। टाटा मोटर्स सेकंड स्टॉक, टाटा मोटर्स, यस आप सब लोगों का फेवरेट टाटा मोटर्स, जो टाटा ब्रांड है, ब्रांड रतन टाटा जी का है, यस अबव 132 ओनली स्टॉप लॉस 130, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट, एंड गो लॉन्ग इन टाटा मोटर, अपसाइड रैली कहां तक 137, 141, दिमाग में बैठ लो, कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि मुझे पता है आप भूल जाओगे कल तक, आज देख रहे हो, दोबारा देखना, तिबारा देखना, समझ में आएगा सर। अरविंदो तीसरा स्टॉक मेरा, अरविंदो है, अरविंदो यस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, और ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, फुल स्ट्रेंथ देख दिखा रहा है, फुल स्ट्रेंथ दिखा रहा है भाई, बाय अरविंदो अबव 521 अपसाइड लेवल अप टू 536, 541 लेवल्स, यस कीप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, यू नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस ऑफ 517, 515, ओके 2 स्टॉप लॉस नहीं है, 517, 515 आप अपने हिसाब से लगा लेना, मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं, कुछ चीजें बनेगी प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उसके बेसिस में 517, 515 का लगाऊंगा, तो कीप ईगल आई 521 के ऊपर, अरविंदो को बाई करो, 536 का टारगेट रहेगा फर्स्ट, 541 का सेकेंड टारगेट रहेगा। थर्ड फोर्थ स्टॉक विच वन कौन सा प्रोडक्ट है बताओ ये सर, ब्रिटानिया, आपके बच्चे मम्मी डैडी पापा अंकल चाचा ताऊ गैस सबको आप खिलाते हो ब्रिटानिया, खिलाते हो ना, पावरफुल है। अच्छा ध्यान रहे सर, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, अगर इन्वेस्टिंग करनी है
ब्रिटानिया बाइंग ऑन डिप, सिर्फ ब्रिटानिया को भरते जाओ भरते जाओ। SIP करना चाहते हो सर, 50,000 रुपए के ब्रिटानिया के शेयर लेके बैठ जाओ, बिस्किट भी खाओगे पैसा भी बनाओगे, बिस्किट खाते खाते पैसा बनाओगे। ये चीज मेरी बात ध्यान रखना, आज मैं ये रिकमेंड दे रहा हूँ, नोट कर लो डायरी में, 1-2 साल में बात करना है ब्रिटानिया का लेवल क्या होगा। यस, कल का अगर मैं बता रहा हूँ इंट्रा डेल टॉक अबाउट ब्रिटानिया ओपनिंग बेल पे बाई करना है एंड सेट रिलैक्स विद टाइट स्टॉप लॉस 2970 एंड गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस ध्यान रखे, बाई आप करो, प्रॉफिट आपका है मेरे भाई। मैं तो स्टॉप लॉस के ऊपर काम करता हूं, मैं टारगेट के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि टारगेट इज माई फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज माई एनिमी। तो स्टॉप लॉस के ऊपर नजर रखनी है, टारगेट पे नहीं रखनी है। जो समझ गया वो शहंशाह है, जो नहीं समझा वो प्रजा है। ध्यान रखिएगा, ग्लेनमार्क पावरफुल, वन ऑफ मोर ब्यूटिफुल स्टॉक एंड डार्लिंग स्टॉक। ओपनिंग बेल पे ग्लेनमार्क को बाई करो। आई लव फार्मा स्टॉक्स, यस, अबव 282 गो लॉन्ग। वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट इज ओवर, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी नजर रखो, बहुत पावरफुल है, कल के लिए आपको चांदी दे सकता है, पैसा बना के देता है। बट गाइस, स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना। SRM की एक स्ट्रेटेजी दी है, उसको पढ़ लेना। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, नए फॉलोअर्स हैं, SRM मेरा यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ लेना, उसके बेस पे यहां पे एग्जीक्यूट करना। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स, उस पे मैं बिलीव करता हूं, मैं 1-2 ट्रेड पे बिलीव नहीं करता। यस, कीप SL 280 एंड गो लॉन्ग अप टू 292-297। कीप SL 280 एंड गो लॉन्ग अप टू 292-297। ओपनिंग बेल पे ही बाई करने का है, क्लियर। फार्मा के बाद कोई स्टॉक, सो पहला मैंने कौन सा दिया, दोबारा रिवाइंड कराना चाहूंगा। पहला मैंने स्टॉक UPL दिया, उसके बाद टाटा मोटर्स दिया, उसके बाद अरविंदो दिया, उसके बाद ब्रिटानिया दिया, उसके बाद ग्लेनमार्क दिया। ये 5 पावरफुल स्टॉक कल रडार पे रखना, आप आज ही अपने सिस्टम पे लगा के रख लो और मजा लो इसका सर। और सर स्टॉप लॉस भी होंगे मेरे भाई, मैं कोई बहुत बड़ा तोपची नहीं हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपीरियंस है, पर्सनल मेहनत करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, उसके बेसिस पे बहुत मेहनत लगती है। इतने सारे स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको देता हूँ दोस्त, लाइक तो बनता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि सर कम से कम 1 घंटा देने के बाद ये 4-5 स्टॉक्स आपके ऊपर लेके आता हूँ, जिससे आप स्मॉल ट्रेडर्स की दुआ मिल सके मेरे को। बस दुआ में याद रखना और कुछ नहीं चाहिए। और पावरफुल चीज़ें आपको सीखनी है मेरे से, और स्ट्रैटेजीज के बारे में मुझसे सीखने। पैसा सर डोजी से नहीं बनेगा, पैसा कैंडलस्टिक पैटर्न से नहीं बनेगा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। उस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर स्ट्रैटेजी ढूंढो, वो स्ट्रैटेजी हिडन होती है, आपको भी दिखेगा मुझे भी दिखेगा, बट मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे बाई करो, आप बोलोगे कि हाँ रोज बाई करो। अंतर है आप में और मेरे में, सीखना ही पड़ेगा। किसी एडवाइजर को, किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना है, फ्री में टिप्स मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ, ज्वाइन करो, फॉलो करो, बात खत्म। सर पैसा कमाओ, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, जिससे मुझे आपकी दुआ मिलते रहे कि हाँ पैसा बना रहे हो, मुझे भी अच्छा लगे कि चलो मेरे भाई लोग, बहन लोग, मतलब भाई लोग और आप सबकी बहनें, मेरे को भी मजा आए, ठीक है। सो दिल्ली वर्कशॉप 14-15 मार्च, डोंट मिस, मैं बोल रहा हूं। वहां पे मैं एक पावरफुल सेटअप आपको दूंगा, झिंगा लाला, दिमाग का ढक्कन खोलना है तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा दोस्त। बेच नहीं रहा हूं सर, मर्जी आपकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी मार्केट में दी है, हम दूसरों की तरह नहीं है, आधी स्ट्रैटेजी देते हैं, आधी बोले क्लास में सिखाते हैं, हम पूरी स्ट्रैटेजी देते हैं। रिजल्ट M2M डेली बेसिस पे आई एम गेटिंग मोर देन 200 M2M स्क्रीनशॉट्स। कितने शेयर करूं, फिर भी कोशिश करता हूं आपसे शेयर करूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, कीप ईगल आई ऑन दिस स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल्स। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।